यूपी के लालगंज में सैलून चलाने वाले मिथुन फिर चर्चा में हैं। उन्हें राहुल गांधी ने सैलून में काम आने वाला कीमती सामान भेजा है। ये तस्वीरें ज्यादा पुरानी नहीं है। उस वक्त देश में लोकसभा चुनाव चल रहे थे। कांग्रेस ने राहुल गांधी को पहली बार रायबरेली सीट से उम्मीदवार बनाया था। चुनाव प्रचार के दौरान वो रायबरेली के लालगंज पहुंचे थे, जहां उन्होंने सैलून चलाने वाले मिथुन से दाढ़ी बनवाई थी। उस दौरान राहुल ने मिथुन से काफी बातचीत भी की। मिथुन का कहना है कि वो दिन उसके लिए बेहद ही यादगार था। लेकिन अब 4 महीने बाद मिथुन फिर से चर्चा में आ गया है, और इसकी वजह इस बार भी राहुल गांधी ही है। राहुल ने उसके लिए खास तोहफा भेजा है। उन्होंने सैलून में काम आने वाला सामान गिफ्ट किया है। भेजे गए सामान में 2 हेयर कटिंग चेयर, 1 शैम्पू हेयर वॉश चेयर और 1 इन्वर्टर बैटरी शामिल है, जिससे सैलून चलाने वाले की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मिथुन के मुताबिक, जब से राहुल गांधी उनके दुकान में आए हैं, तब से उनका बिजनेस बढ़िया चलने लगा है। अभी तो बैठे हुए नहीं, तब तक चले जाते घर पे, और हमारा धंधा भी बहुत अच्छा चलने लगा। राहुल सर जी की वजह से आज हमारा 3 गुना धंधा बढ़ गया है। अच्छा राहुल जी, जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तो आप ही के यहाँ से हेयर कटिंग करवाने के बाद अगली जनसभाओं को गए हुए थे। जी जी, तो कितनी मन में खुशी थी? अरे सर जी, हमें बहुत खुशी थी, और हमने कभी भी सोचा भी नहीं था कि इतनी छोटी सी दुकान में सर जी आएंगे। आ गए थे वो, उसके बाद तो हमें सपना लगा था, लेकिन हकीकत था और राहुल सर आए थे, हमें बहुत खुशी हुई थी। 13 मई को राहुल गांधी लालगंज के एक इंटर कॉलेज में चुनावी सभा करके लौट रहे थे। इसी दौरान उनका काफिला हेयर कटिंग सैलून के पास रुका। इसके बाद राहुल ने सैलून में जाकर शेविंग करवाई। राहुल रायबरेली के सांसद भी हैं, ऐसे में अपने सांसद से तोहफा पाकर मिथुन गदगद है। रायबरेली से न्यूज 18 के लिए मोहन कृष्ण की रिपोर्ट। ग्वालियर में